देश के मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चौकीदार से आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएल कांताराव ने कांग्रेस के चौकीदार चोर है विज्ञापन को लेकर लगाई गई अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। आदेश में आयोग ने माना कि इससे छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, विज्ञापन पर रोक लगा दी। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेताओं ने खुद को चौकीदार लिखना शुरू कर दिया। राजनीतिक फायदा लेने के उद्देश्य से कांग्रेस ने राफेल डील मामले में चौकीदार चोर का विज्ञापन जारी किया। देश के कई राज्यों में ये विज्ञापन सोशल मीडिया में कांग्रेस के द्वारा प्रचारित किया जा रहा था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश भाजपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर कांग्रेस के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के सीईओ बीएल कांताराव ने कांग्रेस के विज्ञापन पर रोक लगा थी। इस फैसले के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा की ओर से अपील की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सीईओ कांताराव ने आदेश जारी कर कहा कि चौकीदार के आशय प्रधानमंत्री मोदी से है। आयोग के समक्ष शोभा ये साबित नहीं कर पाए कि विज्ञापन में चौकीदार से आशय पीएम मोदी से ना होकर किसी अन्य व्यक्ति से है। एचएमटीवी लाइव के लिए भोपाल से एएल द्विवेदी की रिपोर्ट। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस हमारे ऐड को बैन किया गया है, जबकि अगर आप पूरा ऐड देखें तो कहीं भी हमने कोई मतलब वो एक व्यंग है और उसमें कहीं भी न तो नाम आ रहा है किसी पार्टी का, न किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो कह रही है कि ये गाना प्रधानमंत्री के लिए बना है। तो मतलब चोर तो प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी साबित कर रही है, और इलेक्शन कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चौकीदार यानी मोदी वो चोर हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी मोहर लगा रही है। तो कौन साबित कर रहा है मोदी जी को चोर? ये भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है मैम। लेकिन कांग्रेस